ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि मुझे मेरे चैनल के व्यूअर्स मिले, मेरी फैमिली मिली है जो कि कर्नाटका से है। खैर मैं महाराष्ट्र से हूँ, फिर भी वो मेरा वीडियो देखते हैं कर्नाटका में, और वो मुझे लकीली मिल गया जिस रिसोर्ट में मैं रुका था। एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। तो विशाल है, उनकी मॉम है, अंकल है, तो ये सारे लोग आए हैं बैंगलोर से। तो अभी ये भी चेकआउट कर रहे हैं, हम भी चेकआउट कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू गाइस। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस अक्षय देसाई। सो आज हम व्लॉग नहीं बना रहे, आज हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जो हमारे साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए थे दांडेली में। सो दांडेली एक बहुत ही ऑसम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कर्नाटका का, और फेमस है अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाटर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए, जहाँ पे एक फैमिली डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप आपकी फैमिली को ले जाके एक विलेज लाइफ, एक जंगल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जब आप दांडेली जा रहे हो, आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी है, आपका वहां पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ जियो और वोडाफोन को थोड़ा सा नेटवर्क आएगा। जियो को, जबकि वोडाफोन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा नेटवर्क आता है दांडेली में, क्योंकि ये 56 किलोमीटर का रेडियस है। उस 56 किलोमीटर के रेडियस में पूरा जंगल है, एक स्ट्रीट लाइट भी दिखना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो नेटवर्क तो वहां पर नहीं आएगा। सेकेंड चीज, एटीएम नहीं मिलेगा आपको उस एरिया में। आपको होटल का वाईफाई लेके जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो, होटल में वाईफाई अवेलेबल है वहां पे हर एक होटल में, तो वर्क फ्रॉम होटल आप अगर सोच रहे हो तो वो एक आपको लिए बेस्ट ऑप्शन है। बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, तो होटल वाले आपको कैब या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन अलॉट करके दे सकते हैं, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो एक फिक्स टाइम है, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जा सकते हो। या फिर आपको दांडेली घूमना है, आसपास की चीजें घूमनी है, तो आपको साइकिल मिल जाएगी, या फिर आप जब दांडेली मेन सिटी में एंटर करते हो, क्योंकि मेन सिटी से सारे रिसोर्ट्स कुछ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, कुछ 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मेन सिटी से ही आप कैब वाले का नंबर ले सकते हो और उसको हायर करके आप कॉल करके बुला सकते हो। तीसरी मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवर राफ्टिंग एक्टिविटीज या फिर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज जो होती है वो होती है बाइसन रिवर रिसोर्ट से, विस्लिंग वुड से। रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होती है सिर्फ बाइसन से, तो अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो तो आपको बाइसन में आना पड़ेगा, बाइसन रिसोर्ट में, फॉर रिवर राफ्टिंग। एंड और एक चीज गाइस, कि ये रिवर राफ्टिंग सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और पूरा दिन भर चलती है, पर एक चीज है, 9 बजे से लेके 10-10:30 बजे तक वाटर का फ्लो ज्यादा होता है, क्योंकि सुपर डैम से जो पानी छोड़ते हैं वो 9 से 10 के बीच में ज्यादा फ्लो होता है, जिसकी वजह से रिवर राफ्टिंग और ज्यादा मजा आ जाता है। फिर बाद में पानी का फ्लो कम हो गया तो रिवर राफ्टिंग का मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। कायाकिंग, ओरेकल राइड्स और बोटिंग आप पूरा दिन भर कर सकते हो। जकूजी एक नेचुरल, सिर्फ पानी जो गिरता है वहां पे आपको सुला देते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर जकूजी टू बी ऑनेस्ट। एंड और एक चीज गाइस, ये सारी एक्टिविटीज फ्री होती है, आपके पैकेज में इंक्लूडेड होती है, बस आपको जो पे करना होता है वो होता है रिवर राफ्टिंग का, क्योंकि रिवर राफ्टिंग JLR के अंडर होता है, जो कि कर्नाटका टूरिज्म के अंडर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग अगर आपको करना है दांडेली में, तो दांडेली में काफी अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स हैं, हर एक रिसॉर्ट की अलग अलग खूबी है, बट आपको अगर सारी एक्टिविटीज करनी है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रिवर के साइड में जो भी रिसॉर्ट्स होंगे वो बुक करें, क्योंकि वहां से रिवर राफ्टिंग एक्टिविटीज या फिर जो भी वाटर एक्टिविटीज है वो जल्दी हो पाती है, क्योंकि बाकी रिसॉर्ट जो दूर है वहां से आपको ऑल द वे ट्रैवल करना पड़ता है, जो होटल्स रिसोर्ट के बाजू में, मतलब रिवर के बाजू में, मोस्टली बाइसन को ट्रैवल करना पड़ता है आपको फॉर रिवर राफ्टिंग एक्टिविटीज एंड वाटर स्पोर्ट्स। तो ये चीज ध्यान में रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका जो बुकिंग है, फॉर एग्जांपल जो पैकेजेस है, सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि पर पर्सन लेते हैं, पर उस पर पर्सन के अमाउंट में आपको सारी चीजें देते हैं, लाइक आपका स्टे हो गया, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और हाई टी, रात का कैंप फायर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको 1 रुपया भी ज्यादा देना नहीं है। बस आपको अगर मेन्यू से कुछ ऑर्डर करते हो उस होटल में तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। इनके पैकेजेस जो है वो स्टार्ट होते हैं अराउंड 1400 से पर डे, पर उसमें आपको 10 स्टे मिलेगा, विच इज मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो अ बैड ऑप्शन, लाइक बैचलर सोलो ट्रैवलर है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि 1300 रुपए दे दो, पूरा 1400-1500 जो भी है वो आप देके पूरा दिन एंजॉय कर लो, खाना वाना सारी चीजें उसी में हो जाएगी, साइकिलिंग भी उसी में हो जाएगी। बट
एक डिसेंट रूम के लिए आपको 2000 से प्लस रुपीज लगेंगे, लाइक जो हमारा कॉस्ट था वो था 2500 पर डे, क्योंकि हमने एसी डिलक्स रूम लिया था तो उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। रूम काफी अच्छे थे, रूम आर क्वाइट गुड ईयर, मतलब रूम में 19-20 बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे काफी अच्छे रूम है। और जो साइट सींग आप यहाँ पे कर सकते हो, साइट सींग में क्रोकोडाइल पार्क है, एक इकोलॉजिकल पार्क है, एक स्टोन है, लाइक सिमेट्रिक रॉक्स बोलते हैं उसको, वो है सुपर डैम व्यू। सुपर डैम व्यू आप जब वाटर स्पोर्ट्स के लिए आते हो बाइसन में, बाइसन के रोड में ही है, रोड में ही पड़ेगा। और एक जंगल सफारी है, जंगल सफारी को आपको पे करना होता है, तो जंगल सफारी कर्नाटका टूरिज्म के अंडर होती है, तो उसके लिए जाने के लिए बेस्ट टाइमिंग है जो अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो 6 बजे, या फिर शाम को जाइए 3-4 बजे की सफारी में, तो आपको चांसेस है कि आपको एनिमल देखने। जो स्कैम हमारे साथ हुआ था, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे लोग ऑनलाइन पैसे नहीं लेते, इनको चाहिए कैश। एंड मोस्टली यहाँ पे कुछ कंपनीज है जो ये सारा टूरिज्म हैंडल करती है, तो उसमें से एक कंपनी थी जिसके साथ हमें ये एक्सपीरियंस आया। पर जब मैं गूगल पे गया सर्च किया तो ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को आया है कि वो लोग क्या करते हैं ना कि आपसे मांगेंगे, आपको बोलेंगे सर आपको यहाँ पे आके आपका रिसीट लेना पड़ेगा, कूपन लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप होटल जा सकते हो, तो वहाँ पे बुला लेते हैं। अब अगर आप कॉल करके भी बोलोगे सर हमारा बुकिंग करना है, आपको पैसे भेज देते हैं, तो आपको बोलेंगे सर पैसे की कोई जरूरत नहीं, आपका बुकिंग कंफर्म है, आप आ जाइए यहाँ पे, कूपन लीजिए, पे करिए और फिर जाइए। तब तक बोलेगी नहीं कि आपको कैश में देना है। जब आप वहाँ पे पहुंच जाओगे आपको बोला जाएगा कि आपको जो भी अमाउंट है आपका 20-25 हज़ार जो भी है आपको कैश में देना पड़ेगा, हम ऑनलाइन लेते नहीं है। तो फिर ऑनलाइन कैश ढूंढना बहुत दिक्कत है दांडली में, हमें 1.5-2 घंटे लगे थे, जैसे आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा कि हमें बहुत टाइम लग गया था ढूंढने में, इसलिए मैं ये शायद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो एक्सपीरियंस मेरे साथ आया है वो किसी और के साथ आए, स्पेशली कि कोई फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है उसके साथ तो बिल्कुल ना आए। तो ATM में जाके ढूंढना पड़ता है कैश। सेकेंड चीज, ये कूपन लेके वापस आपको 28 किलोमीटर रिटर्न जाना पड़ता है दांडली के मेन चौक से जहाँ पे भी आपका होटल है, या फिर हमें तो 28 पड़ा था पर मिनिमम मुझे तो लगता है कि उस सेंटर से आसपास में 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई होटल नहीं है, तो कम से कम 10 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली होटल से बुकिंग कन्फर्म करिए, होटल वालों को कॉल करिए, सर आपके पास ही आ रहे हैं, आपको पैसे अभी भेज देते हैं, हमारा रूम कन्फर्म है कि नहीं, ये अगर आप पहले करते हो। उसके बाद और एक चीज़ आपको करनी है कि जाने से 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपको उनको कॉल करके बोल दीजिए सर हम कल आ रहे हैं, हमारा रूम रेडी है कि नहीं, और पहुंचने से 2 घंटे पहले तो जरूर करिए, क्योंकि एक चीज़ जो हुई है मैं आपको जो बताऊंगा अभी वो बहुत ही गलत थी, कि हम 2 दिन एक रिसोर्ट में रुके, तीसरे दिन हमारा बुकिंग था किसी और रिसोर्ट में, तो हमने निकलने से पहले हमारी जो कंपनी थी उसको कॉल किया, ट्रैवल कंपनी, सर हमारा रूम, तो बोले आप डायरेक्टली रिसोर्ट को कॉल कर दीजिए आपका रूम रेडी होगा। कॉल कर दिया तो हमें बोला सर पहुंच जाइए आपका रूम रेडी है, तो हम निकल गए रिसोर्ट पहुंच गए। तो रिसोर्ट जैसे ही पहुंचे उन्होंने बोला कि हम की जो कंपनी है जो हमारा हैंडल करती है सारे 6-7 रिसोर्ट्स, उन्होंने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया आपके रूम के बारे में, तो आपका रूम अवेलेबल नहीं है सर, बस टेंट अवेलेबल है, रहना तो आप टेंट में रह सकते हो। तो दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमने अगर पे किया है फॉर AC डिलक्स रूम एंड जिसके लिए हमने 3 दिन पहले इतना मगजमारी करके, मतलब 10-15 जगह, मतलब 4-5 जगह तो घूम के पैसे निकाल के हमने उनको दिए है कैश में, प्लस 28 किलोमीटर का ज़्यादा फटका पड़ा है, ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर आप पैसे लेके बोल रहे हो कि आपका रूम नहीं है, तो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम फिर भी दांडली में ट्रैवल कर रहे थे जो कि 28 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बट अगर सोचो कोई पुणे मुंबई बैंगलोर हैदराबाद कहीं से आता है और ये लोग बोलते हैं कि सर आपका रूम अवेलेबल नहीं है और उसके साथ फैमिली है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए होटल में पहुंचने से 2 घंटे पहले भी होटल को फोन करिए सर हम पहुंच रहे हैं क्या है। ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोलता रहा क्योंकि मैंने बहुत सारे गूगल रिव्यूज पढ़े, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ये चीजें ध्यान में रखिए। दांडली बहुत खूबसूरत है, लाइक मैं प्यार में पड़ गया था, सुबह का जो मौसम होता है वहाँ पे बहुत ही सुबह है, दोपहर में खैर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, बट जंगल है यार, जंगल में बहुत मजा आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे नाइट सफारी होती है, ब्लैक पैंथर्स दिखते हैं, बट नाइट सफारी में मैं एक सजेस्ट करूंगा कि फैमिली को लेके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत रिस्क है। रिस्क एज सच नहीं है बट अंधेरा इतना होता है ना कि डर लग जाता है, फिर इससे अच्छा जा रहे हो बंदे बंदे जाओ, या फिर सीधा JLR जो है उनकी जंगल सफारी ले लो जो कि फनसोली से निकलती है, फनसोली एक एरिया है। तो गाइज ये व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो आपको प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो भी चैनल बनाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना।